नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट के आदेश को लागू करने में आचार संहिता बाधक नहीं, जाने पूरा मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश को लागू करने में आचार संहिता बाधक नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट ने बुधवार को आरे में आंतरिक रोड के निर्माण का रास्ता साफ करते हुए यह टिप्पणी की है। लंबे समय से 45 किलोमीटर के इस आंतरिक रोड का निर्माण अटका पड़ा था। संबंधित प्राधिकारी को निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले सरकारी वकील मिलिंद मोरे ने अदालत को बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है, ऐसे में निधि और प्रस्तावों को मंजूरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आचार संहिता कोर्ट के आदेश के अमल में बाधा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने 26 अप्रैल को याचिका पर अगली सुनवाई रखी है। जनहित को ध्यान में रखे कमेटी चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की जरूरत नहीं है। यदि आचार संहिता के चलते कोई दिक्कत आती है तो सरकार के लिए अदालत आने का रास्ता खुला है। बेंच ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को आरे में रोड के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। प्रस्ताव में कोई सुधार भी जरूरत हो तो 3 दिन के भीतर सरकार के संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी जाए और सुधारित प्रस्ताव 7 दिन के भीतर कमेटी के पास दोबारा भेजा जाए। यह प्रस्ताव मिलने के बाद कमेटी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय ले। कमेटी इस दौरान जनहित के मुद्दों और वन्य जीवों की भलाई को भी ध्यान में रखे। कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करे। सुनवाई के दौरान कहा गया कि अच्छी सड़क न होने के चलते आदिवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दलील पर बेंच ने कहा कि आरे में इतना अतिक्रमण है कि मुश्किल से वहां आदिवासी मिलेंगे। पर्यावरण, वन्य जीव और मानव जीवन तीनों ही जरूरी। रोड प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विचार करते समय इन तीनों मुद्दे पर कमेटी गौर करे। बेंच ने कहा कि आरए से संबंधित सरकार की ओर से 9 मार्च 2021 और 5 दिसंबर 2016 को जारी की गई अधिसूचना के प्रावधानों का भी ध्यान रखे। बेंच ने आरए के 8.22 किलोमीटर के उस हिस्से को 10 दिन के भीतर बंद करने के निर्देश दिया है जो पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील है और उसका वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।